मैं सुन रहा था उनकी दोनों बेटियों का स्टेटमेंट। मैंने कई मरतबा आपसे कहा कि मैं निजी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं जाता, ना मैं वो स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ, ना मैं उनकी बेटियाँ दिखाना चाहता। लेकिन सीरियसली बात यह है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक बेटियों को आकर गवाही देनी पड़ रही है, बापर्दा बेटियों को, कि उनकी माँ एक बापर्दा खातून है। वो अपने निकाह से पहले इमरान खान को नज़र नहीं आई, इमरान खान ने उनको नहीं देखा था निकाह से पहले, और इसके अलावा वो एक बापर्दा खातून है। उन्होंने अपने शौहर के घर में इद्दत पूरी की, उसके घर में वो अपनी जो मैके है वहाँ पर चली गई, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे, उसके बाद उन्होंने निकाह किया। ये उनकी बेटियाँ गवाहियाँ दे रही हैं, यानी डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को गिराने के चक्कर में अपने आप को इतना घटिया, जलील और रुसवा किया, और इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को गिरा दिया कि आज बुशरा बीबी की बेटियां, साबिक खातून अव्वल की बेटियां, बापर्दा बेटियां सामने आकर स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कौम भूलेगी नहीं। नाज़रीन, मेरी बात आप ये याद रखिएगा, और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि ये जितनी ज़्यादतियाँ करेंगे इमरान खान उतना बड़ा होता चला जाएगा। इमरान खान का कद बड़ा होता होता इन सबसे बड़ा हो गया है, और अब इतना बड़ा हो जाएगा कि आसमान के साथ जाकर लग जाएगा और ये सारे उसके सामने बोने बन जाएंगे। ये जितना जुल्म करेंगे इमरान खान उतना ऊपर जाएगा। फजल रहमान साहब ने और अचकजई साहब ने बड़े खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं जनाब, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। फजल रहमान साहब ने सबसे पहले तो एक जो आर्मी चीफ के हवाले से स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था आसिम मुनीर साहब ने, उसका जवाब जो है वो फजल रहमान साहब ने दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े कयूद की बर्मला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकदम रखने की तवक्को करते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था। इसके जवाब में फजल रहमान साहब कह रहे हैं, कहते हैं, मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हुदूद को जानता हूं। मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हुदूद से तजावुज करते हैं, वो उस हद से कहीं ज्यादा है, उसको भी देखा है कभी? ये फजल रहमान साहब ने सवाल उठाया है और आर्मी चीफ के ऊपर जो है वो तनकीद की है, क्योंकि अब आर्मी साइड से यह कहा जा रहा है कि हम अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हैं, बाकी भी रहे। फजल रहमान साहब कह रहे हैं, नहीं जी, आप नहीं रहते, आप तजावज़ करते हैं और उसको भी देखें। अब इसमें सनाउल्ला बलोच साहब जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कल आइन के एक आर्टिकल की सिपा सलार ने बात की, बाकी आर्टिकल की क्यों बात नहीं करते? आइन की महाफिज फौज वकला है, पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका आपकी तरफ देख रहा है। ये जी सनाउल्ला बलोच साहब ने उसी स्टेटमेंट का जवाब दिया है। अचकजई साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, और बड़ा साफ साफ अचकजई साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा, जी सच ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत चुकी थी। मैं नवाज शरीफ से ये उम्मीद रखता था कि वो आकर कहता कि इन बच्चों ने मुझे शिकस्त दे दी है, लेकिन अचकजई साहब आप उम्मीद रखते थे, ये आपका हुस्ने जन था कि आप नवाज शरीफ से उम्मीद रखते थे। नवाज शरीफ से तो उनके घर वालों को उम्मीद नहीं है, उन्होंने तो हमेशा फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है, जनरल जिलानी से लेके, जनरल ज़ियाउल्लक से लेके, उसके बाद तमाम जर्नैलों से होते हुए कैसे कैसे वो इक्तदार में आए, उसके बाद जनरल मुशर्रफ से डील करके वो वापस आए, उसके बाद किस तरह 2013 में उन्होंने डील की और कैसे उन्होंने एक हैवी किस्म का इक्तदार लिया, और फिर जनरल बाजवा के साथ उन्होंने कैसे अपने मामला तय किए, ये सारी चीज़ें तो ये खुद अपने मुँह से बता रहे हैं। तो ये तो आपने वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को उठा दिया थोड़ा सा। मियाँ साहब इस तरह के कभी नहीं थे जैसा आप सोच रहे थे, वो हमेशा अपनी शिकस्त को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कामयाबियों में बदलते रहे हैं। एक और चीज़ जो अचकजई साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के केसेस को अगर ख़त्म नहीं भी करना तो कम अज़ कम उसको रिहा कर दें ताकि वो पेशियां भुगते, और उसके घर वालों पर, बीवी पर जो बेतुके किस्म के केस बनाए गए हैं जिनको सुनकर किसी भी मुसलमान को शर्म आती है, उन्हें ख़त्म करो। ये भी जनाब अचकजई साहब ने मुतालबा किया है। अच्छा नादरीन, डील के हवाले से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि तीन जमातों से तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, इमरान खान साहब ने जेल में ये भी क्लियर किया है। यानी उन तीन जमातों से तो बात नहीं करनी जिन्होंने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया, जिसमें पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और एमक्यूएम है। एमक्यूएम तो एक भी सीट नहीं जीती, वो तो सारी सीटें जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लेकर गई है। पीएमएलएन जो है उसकी 2 दर्जन सीटें, कोई कहता है 3 दर्जन सीटें, इससे ज़्यादा उनकी है ही नहीं। बाकी सारी जमातें जो हैं उनके साथ बात हो सकती है, लेकिन पीएमएलएन से नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकती और एमक्यूएम से बात नहीं हो सकती।
साथ ही इमरान खान साहब ने जो बाकी स्टेटमेंट दिया वो मैंने आपको पढ़ के पहले सुना दिया है। अच्छा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बातचीत की है वो तो मीडिया पे चल गई, लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई ने और असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको मना कर दिया गया पाकिस्तान के मीडिया पर चलाने पर। हालांकि आज आज़ादी इजहार राय का या आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। नाज़रीन, आज से एक साल पहले मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गया था और वहाँ जाकर मैंने सब सहाफ़ियों से कहा था कि आप लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे इख्तलाफ राय के बावजूद, यानी बहुत सारे सहाफ़ियों को आपस में इख्तलाफ हो सकता है। अभी मैं हामिद मीर साहब से मिला, कुछ और सहाफ़ियों से मिला, काशिफ अब्बासी साहब से, मोहम्मद मालिक साहब से, समी इब्राहिम साहब से, सिद्दीक जान से, बाकी सहाफ़ियों से मिला हूँ, तो मेरा इनसे नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है। वो जो बात कहें मुझे पसंद नहीं आ सकती और मेरी बात हो सकता है उन्हें पसंद ना आए, लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि इख्तलाफ़ राय की बुनियाद के ऊपर हम एक दूसरे को अकेला छोड़ दें और मरने के लिए छोड़ दें। किसी भी सहाफ़ी को गैर कानूनी तरीके से अगवा करना, उसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से मुकदमात बनाना, या उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना, या उसको कत्ल कर देना, इन मामलों के ऊपर हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। जिसने किसी सहाफ़ी को पकड़ता है कानून के मुताबिक आगे पकड़े और कानून के मुताबिक केस करे, उस पर जस्टिफाई करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गैर कानूनी हथकंडे हैं उनके खिलाफ तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठे होना पड़ेगा, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। यानी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हामिद मीर साहब ने एक दौर ऐसा था कि आपको उनसे इख्तलाफ था, उन्होंने कुछ ट्वीट किया आपकी जान खतरे में पड़ गई, तो मैंने उन सबसे कहा कि भाई इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन गलत फहमियाँ भी अपनी जगह पे हैं, इख्तलाफ भी अपनी जगह पे है। लेकिन आज अगर हामिद मीर साहब की जान खतरे में है या उनके ऊपर कोई अटैक आने जा रहा है और मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं तो गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसके खिलाफ बोलूँगा भी, खड़ा भी हो जाऊँगा, और मैं इसीलिए उनको मिलने के लिए गया हूँ। तो इख्तलाफ राय रहना चाहिए, ये हुसन है, रहना चाहिए, इसी से डिबेट होती है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ते हैं। लेकिन इख्तलाफ राय के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ हदूद ऐसी हैं जिनसे आगे नहीं जाना चाहिए। किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, किसी की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए, झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए, लोगों को अगवा करके गायब नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और सब ने इसके ऊपर इत्तफाक किया है। नाज़रीन, जो मखसूस नशस्तों का केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े अरसे से हम ये आवाज़ उठा रहे थे, गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने जब ज़्यादा आवाज़ उठाई, क्योंकि ये सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं तो फिर काजी फायद ईसा साहब को पूरा जोर लगाने के बावजूद एक्सटेंशन नहीं दी जा सकेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन एक ख्वाब बनकर रह जाएगी अगर ये जो मखसूस नशस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए उसूलन, अगर ये तहरीक इंसाफ के पास ही आ जाती हैं और उनकी मुखालफ सियासी जमातों में तकसीम नहीं की जाती, तो फिर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। अब ये बड़ा अहम मामला है, ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ पर यह केस लग गया है और ये केस जनाब सुना जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, 3 रुकनी बेंच, इसमें अतरुल्ला साहब भी शामिल हैं और इसमें एक और मुअज्जिज़ जज भी शामिल हैं, तो 3 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा। देखते हैं कि इस केस का नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, और भी खबरें, बाबर सत्तार साहब ने एक शॉट लगाई और ग्राउंड से बाहर बॉल उन्होंने फेंक दिया, बात करते हैं लेकिन अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।